बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर्ब्स एंड हेल्थ के चैनल में आपको खुश आमदीद। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको एलोवेरा यानी कमाल कंदल के 10 मुख्तलिफ तरह के फ़ायदे और उसके इस्तेमालात। एलोवेरा विटामिन और अमीनो एसिड से भरी हुई एक जेल है और आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मौसूल होती रहें। सबसे पहले इसका इस्तेमाल बताने जा रहा हूँ एक्नी यानी मुहासों के लिए। आपने कुछ एलोवेरा जेल, उतना ही अखरोट और उतना ही शहद लें। तीनों चीज़ों को ब्लेंड कर लें और इसको 20 मिनट तक अपने चेहरे पर लगाएं। दूसरे नंबर पर इसका इस्तेमाल है आपके चेहरे पर मौजूद शहद और मुहासों के लिए। आपने ये करना है कि कुछ एलोवेरा जेल, एक चुटकी भर हल्दी, एक चाय का चम्मच शहद, एक चाय का चम्मच दूध और गुलाब के अर्क की चंद बूंदें लेनी है और इस मिक्सचर को ब्लेंड कर लेना है यहाँ तक कि आपको एक पेस्ट मिल जाए। और इस पेस्ट का इतलाक आपने चेहरे पर करना है और लगभग 20 मिनट के लिए इसको लगा रहने देना और फिर धो लेना है। नंबर 3 पे आता है एलोवेरा का इस्तेमाल खुश जिल्द के लिए। कुछ एलोवेरा जेल और कुकम्बर जूस, दही और गुलाब का तेल लेकर एक पेस्ट की शक्ल में ब्लेंड कर लें और लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर इसको धो लें। इंशाल्लाह आपकी जिल्द की खुश्की दूर हो जाएगी। नंबर 4 पे आता है एलोवेरा स्क्रब। आधा कप एलोवेरा जेल, एक कप चीनी और 2 खाने के चम्मच लीमू कार्क लें और तीनों अज्जा को एक साथ मिला लें और इस स्क्रब का इस्तेमाल आप चेहरे और जिस्म पर करें। आपका चेहरा तरोताज़ा और शादाब हो जाएगा। नंबर 5, धूप की वजह से जो आपके चेहरे पर सन बर्न्स के निशानात होते हैं एलोवेरा उनकी मुरम्मत करता है। आपने ये करना है कि कुछ एलोवेरा जेल, एक चुटकी भर हल्दी, एक चाय का चम्मच शहद, एक चाय का चम्मच दूध और गुलाब के अर्क की चंद बूंदें लेनी है। इस मिक्सचर को ब्लेंड करें यहाँ तक कि आपको पेस्ट मिल जाए और इसका इतलाक चेहरे पर करें और लगभग 20 मिनट के लिए ये चेहरे पर लगा रहने दें और उसके बाद इसको आप धो लें। एलोवेरा का छठा इस्तेमाल है एंटी एजिंग। ये उम्र बढ़ने के इलामतों को सुस्त कर सकता है। कुछ एलोवेरा जेल, उसमें ब्लेंड हुआ हुआ अखरोट और शहद लें। शहद एक एंटीऑक्सीडेंट है और एलोवेरा के साथ मिलकर ये आपकी जिल्द को शिफा बख्श खसूसियात और आपकी जिल्द को हमवार और खूबसूरत बनाता है। नंबर 7 पे आता है कि ये कुदरती एक्सफोलिएंट है। एलोवेरा में मौजूद सिलिसिलिक एसिड आपके चेहरे पर मुर्दा जिल्द के खलियों और ख़राब बैक्टीरिया से छुटकारा हासिल करने में मदद देता है। कुछ एलोवेरा जेल, खीरे का जूस, दही और गुलाब का तेल लेकर पेस्ट की शक्ल में ब्लेंड कर लें और चेहरे पर 20 मिनट के लिए लगा देने दें और फिर धो लें। यह आपके जिल्द के मुर्दा खलियों को हटा देगा। नंबर 8, इट कैन ट्रीट कोल्ड सोर्स यानी यह सर्दी के जख्मों और छालों का इलाज कर सकता है। आधा कप ताज़ा एलोवेरा जेल, एक कप दूध और 2 चम्मच लीमू कार्क मिला लें। इस मरकब को ब्लेंड कर लें और 20 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें। इंशाल्लाह सर्दी की वजह से जो छाले पड़े हैं उनका इलाज हो जाएगा। नंबर 9, ये चंबल और एक्जिमा से राहत फराहम करता है। इसके लिए आपको ये करना है कि कुछ एलोवेरा जेल और उसमें मला हुआ यानी ब्लेंड हुआ हुआ अखरोट और शहद लें। इस मरकब को आपस में ब्लेंड कर लें और 20 मिनट तक अपने चेहरे पर लगाना है। इंशाल्लाह चंबल और एक्जिमा के निशान जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। एलोवेरा का यूज़ नंबर 10 जो बताने जा रहा हूँ वो है हसास जिल्द के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल। कुछ एलोवेरा जेल और कुकम्बर जूस, दही और गुलाब का तेल लेकर एक पेस्ट की शक्ल बना दें और इसको 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगा रहने देना है और फिर धो लेना है। ये आपकी हसास जिल्द के लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है।